हरे महादेव, कैसे आप सब। मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। और सुबह की बेहद खूबसूरत शुरुआत, ठंड पड़ रही है कड़ाकेदार, लेकिन चलो ठंड ने भी पड़ना ही है। एक टाइम होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी आती है और एक टाइम होता है जब बहुत ज्यादा सर्दी आती है। तो सर्दी को इग्नोर करते हुए हम आके बैठे हैं अपनी शॉप पे, क्योंकि बस साहब थोड़ा सा गए हैं बाहर, दानिका को लेके गए हुए हैं। तो मैं थोड़ी देर बैठी हूँ शॉप में, लेकिन मैं शॉप में बैठी बैठी चला रही थी फोन, फिर मेरे माइंड में आया चलो आज का व्लॉग शुरू करा जाता है, तो हम यहीं पे से कर लेते हैं शॉप से ही। तो मैं गई हुई थी शिवपुराण सुनने के लिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब मैं ना उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। कुछ चीजें होती है ना जो आप शब्दों में नहीं बता सकते हो, तो बस वही एक्सपीरियंस और वही चीजें हमारे साथ भी वहां पे हुई, जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और खूब हमने इतना आनंद, बहुत आनंद आया और खूब मस्ती, मतलब कि इतना अद्भुत था ना कि फिर वही बात है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ कुछ चीजों को। बहुत सारे दोस्त बने वहां पे, क्योंकि देखो वो कहते हैं ना जहाँ चाह वहीं रहा, तो वो भी हमारे जैसे, हम भी उनके जैसे, वो भी शिव दीवाने हम भी शिव दीवाने। तो बस फिर एक दूसरे से मिलना रोज हो जाता था और रोज ढेर सारी बातें होती थी। और बातें पता क्या होती थी, ऐसे नहीं तेरी मेरी बातें, नहीं सिर्फ और सिर्फ शिवपुराण की बातें कि हाँ कल की कथा कितनी अच्छी हुई थी, अच्छा आज कथा शुरू होने वाली है, अच्छा वो वाली कथा कितनी अच्छी थी, मतलब यही सब बातें। तो कुल मिला के ना बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। 8 दिन कहाँ बीत गए बिल्कुल भी नहीं पता चला। और अब घर आए ना तो फिर से कथा को मिस कर रहे हैं, लेकिन चलो बाबा ने चाहा तो बाबा को कह के तो आए कि एक कथा और लोकल दे देना, अगर एक कथा और बाबा ने लोकल दे दी तो फिर पहुंच जाएंगे एक कथा और सुनने के लिए। तो बस अब वसा आते हैं तो चलते हैं घर और बनाते हैं एक बढ़िया सी चाय। बहुत देर हो गए ना आप लोगों ने मेरे हाथ की चाय नहीं देखी है ना, क्यों, वैसे मैंने वहां बनाई है बठिंडे में, पर बहुत कम बनाई है, एक आधी बार, ज्यादा नहीं, इतना काम ही नहीं होता था क्योंकि सुबह निकल जाते थे शाम को आते थे तो काम तो करते ही नहीं थे, सिर्फ एक सब्जी बनाने का काम करते थे थोड़ा मतलब, बस बाकी कोई काम नहीं करते थे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो अमेरिका तो है, हेलो ओ देख ले कुड़ी ओ तो फोटो देख ले इसका, बोलो हर हर महादेव, चलो बोलो जय श्री श्याम, फोटो देख ले इसको, जय श्री श्याम। हमारे महेश भैया का बर्थडे, चाय के हो चुके हैं कप इनके खत्म है ना, ये बातें कर रही है, ये देखो ना कुकु दानू चना, ये दोनों चना कहाँ कह रहे हैं, कटाओ फिर केक काटेंगे आज। देखो हम तो थे शॉप में, ठीक है, फिर हमें पता चला जो है महेश, वैसे हमें सुबह ही पता था महेश भैया का बर्थडे, ऐसा नहीं है कि मैं अभी अभी पता चला है। तो फिर महेश भैया आए थे शॉप में, तो हम आ चुके हैं सारे जने घर पे और नेहा चला रही है बार बार फोन और महेश भैया उसको बोल भी रहे, नेहा तुम क्या कर रही हो, छोड़ दो फोन। वो नहीं छोड़ रही, मैं दिखाती हूँ कहाँ बैठी हो रही है फोन चलाने। अब ये छोड़ा इसने फोन है ना, ये ना इसको बैठा दिया गया कंबल के अंदर और ये इसलिए ना उसका लुफ्त ले रही है, ये ना होगी, ये ना होगी 2 मिनट में सो ही जाए, है ना, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे बंदा सो जाता है। पापा किसने लिखवाया, ध्वनि ने, ठीक है, वो गई थी आपके साथ लेने, हाँ जी, ये ध्वनि ने लेके दिया अपने पापा को केक, एक वो अच्छा ये भी है, इसीलिए भैया कब से कह रहे हैं केक काट लो केक खोल लो, है ना पापा। ये किसने लेके दिया दिखा दो सही ना, वो देख, ये ध्वनि लाई है केक अपने पापा के लिए, ध्वनि वो केक देखो कैसे देख रही है, ये रख खाली की केक दानी का, वो देना है किसने, फिर से मुंह गंदा कर।
के टू टू ढाई ढाई बजे टू टू साढ़े तीन टू टू मनी हेलो अच्छा हेलो खेल रही है भैया के साथ इधर से वीडियो बनाओ ना नहीं फिर मुझे दोनों के मुंह नहीं दिखते हेलो चक्कू पीछे रखो हाँ जी दूर है जी हेलो क्या है हंसी चल आ गया उसका भी जोश बेटा फूंक मारने वाला तेरा चलो चल बैठ जा थोड़ा सा चलो जी गाना तो गाओ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे ध्वनि पापा हैप्पी बर्थडे डियर भैया हमने म्यूजिक का भी अरेंज करा है भैया आपके लिए वो अपने आप कर लेंगे स्पून ले और ये भैया खा रहे हैं टेट वो दिख रही है ना खुद को ये कैमरे वाली बनेगी देख नेहा ने रोटी शुरू करी है ना तो साथ ही इसको मटल्लों को पता चल गया ये सो रही थी वैसे तू इससे भी ज्यादा करती थी वो दीदी करती थी कभी तुम कहते हो रात को शांति से सोती है हाँ। और कभी तुम बोलो तो इससे भी ज्यादा पैपा करती है क्या वाली बात पे क्या हुआ